लोक लाड़ीले देश और दुनिया के लोक लाड़ीले प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, शांति से प्रवचन सुनेंगे। परम पूज्य आचार्य भगवंत राजेन्द्र सूरी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब, श्री कल्पेश भाई, श्री कुमार भाई, श्री कौशिक भाई, वहां उपस्थित सभी आचार्य भगवंत, सभी साध्वी महाराज साहब, सभी श्रावक जन, कुछ समय पहले मैंने कोशिश की थी कि मेरी बात आप तक पहुंचे, लेकिन शायद टेक्नोलॉजी की कुछ सीमाएं होती हैं, बीच में व्यवधान आ गया और जैसे दूरदर्शन वाले कहते हैं, मैं भी कहता हूं रुकावट के लिए खेद है। मैं जब ये पुस्तकों का लोकार्पण कर रहा था तब तक तो शायद आप मुझे देख पा रहे थे। सबसे पहले मुझे आप सबकी क्षमा मांगनी है क्योंकि मैं स्वयं वहां उपस्थित नहीं रह पाया। इसलिए मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय होता कि सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठने का मुझे आज संभव हुआ होता, लेकिन कभी कभार समय की ऐसी सीमाएं रहती हैं, कुछ जिम्मेवारियां भी ऐसी रहती हैं कि कुछ कामों को अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। मैं भले भौगोलिक दृष्टि से आप सबसे काफी दूर बैठा हूं, लेकिन हृदय से मैं पूरी तरह आपके साथ हूं और आचार्य भगवंत के चरणों में हूं। आज मुझे ये 300वें ग्रंथ के लोकार्पण का अवसर मिला, लेकिन कहीं पर लिखा गया है ये साहित्य की रचनाएं हैं, मेरा उसमें थोड़ा मतभेद है, ये साहित्य की रचनाएं नहीं है। एक संत का अविरत तपस्या, आत्मानुभूति, दिव्यता का साक्षात्कार और उसमें से गंगा की तरह पवित्र जो मनोभाव है उसे शब्द देह मिला हुआ है और इसलिए एक प्रकार से ये वो रचना नहीं है
जो साहित्यकारों की तपस्या का परिणाम होती है, एक दिव्य वाणी का संपुट है जिसमें समाज के साक्षात्कार से निकली हुई पीड़ा का, संभावनाओं का और समाज जीवन को कुछ देने की अदम्य इच्छा शक्ति का ये परिणाम है। पचास साल मुनि की तरह एक अविरत भ्रमण, और सामान्य रूप से पूज्य महाराज साहब को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है, उनके एक एक शब्द को सुनने के लिए हम जैसे सभी लोग लालायित रहते हैं। लेकिन ये भी विशेषता है कि वे एक उत्तम श्रोता भी है। श्रावकों के साथ बात करना, यात्रा के दरमियान छोटे छोटे लोगों से बातें सुनना, एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के जीवन को अपनी इस यात्रा के दरमियान अपने भीतर समा लेने का उन्होंने एक अविरत प्रयास किया है, और उसी का परिणाम है कि उत्तम ये दिव्यता का अंश हम सबको प्राप्त हुआ है। सामान्य रूप से संतों महंतों के लिए, आचार्य भगवंतों के लिए धार्मिक परंपराओं की बातें करना, ईश्वर के साक्षात्कार की बातें करना भक्त समूह को अच्छा लगता है। लेकिन पूज्य महाराज साहब ने इससे हटकर के सिर्फ अपने श्रावकों को पसंद आ जाए, अपने भक्तजनों को पसंद आ जाए, उसी बातों को कहने के बजाय उन्होंने समाज की जो कमियां हैं, व्यक्ति के जीवन के जो दोष हैं, परिवार जीवन के सामने जो खतरे हैं, उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते रहे हैं। कभी कभी उनकी वाणी में चांदनी की शीतलता महसूस होती है, तो कभी कभी तेजाब का भी अनुभव होता है। उनके शब्दों की ताकत कभी हमें दुविधापूर्ण मन हो, निराशा छाई हुई हो, तो एक शीतलता का अनुभव कराती है। लेकिन कभी कभी समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, एक संत का मन विचलित हो जाता है, आक्रोश उठता है, भीतर ज्वाला धधकती है और वाणी के रूप में वो बहने लगती है, और समाज को जगाने के लिए वो अपने आप को आंदोलित कर देते हैं। ये मैंने अनुभव किया है, और इसलिए जितनी उन्होंने सांप्रदायिक परंपराओं की सेवा की है, उससे ज्यादा समाज सुधार की अनुभूति कराई है, और उससे भी ज्यादा उन्होंने समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हर धर्म से ऊपर अगर कोई धर्म है
तो वो राष्ट्र धर्म है। वे लगातार राष्ट्र धर्म जगाना, राष्ट्र की भावना जगाना ये करते रहे हैं और कभी भी उनके प्रति आस्था में कमी नहीं आई है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं हिंदुस्तान के पास ऐसी महान परंपरा है, ऐसे महान संत मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या, अपने ज्ञान, अपने अनुभव का उपयोग राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए, राष्ट्र का भावी निर्माण करने के लिए अपने आप को खपाया है। हम वो लोग हैं जिनको शायद दुनिया जिस रूप में समझना चाहिए अभी तक समझ नहीं पाई है। भारत एक ऐसा देश है जिसने विश्व को किसी संप्रदाय में बांधने का प्रयास नहीं किया है। भारत ने विश्व को न संप्रदाय दिया है, न सांप्रदायिकता दी है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, परंपराओं ने विश्व को सांप्रदायिकता नहीं, आध्यात्मिकता दी है। कभी कभी संप्रदाय समस्याओं का सर्जक बन जाता है, अध्यात्म समस्याओं का समाधान बन जाता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि समस्याओं का समाधान करने के लिए मानव जात का आध्यात्मिकरण होना चाहिए, स्पिरिचुअलाइजेशन होना चाहिए। जो राष्ट्र धर्म के आलेख पूज्य महाराज साहब ने अविरत रूप से जगाई है, वह आलेख उस बात का परिचित कराती है। 300 ग्रंथ ये छोटी बात नहीं है। अनेक विषय व्यक्ति से लेकर के परिवार, परिवार से लेकर के समाज, समाज से लेकर के राज्य, राज्य से लेकर के राष्ट्र, राष्ट्र से लेकर के पूरी समष्टि, पूरा ब्रह्मांड, कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर महाराज साहब ने अपने विचार न रखे हो। उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तब से लेकर के आज देखें तो लगता है शायद महीने में, हर महीने शायद उनकी एक किताब निकली है, तब जाकर के आज 300 किताबें हुई है। यह बहुत बड़ा समाज को तोहफा है। समाज में सामान्य रूप से साहित्य की रचनाएं जो होती हैं वो समाज को जानने समझने के लिए, समस्याओं को जानने समझने के लिए काम आती है। लेकिन महाराज साहब ने जो हमें दिया है वो हमें जीने का तरीका भी सिखाया है। परिवार में संकट हो और महाराज साहब की किताब हाथ लग गई हो तो परिवार को संकट से बाहर निकालने का रास्ता परिवार के लोग निकालने लगते। बेटा घर में कुछ गलत रास्ते पर चला हो, माँ बाप के लिए कुछ अलग ढंग से सोचने लगा हो और कहीं महाराज साहब का एकाध वाक्य पढ़ने को मिल गया तो उसने अपने जीवन की राह बदल दी हो और फिर से माँ बाप के पास जाकर के समर्पित हो गया हो, बहुत सारा धन कमाया हो लेकिन महाराज साहब की एक बात सुनी हो तो उसका मन बदल जाता है और उसको लगता है कि मैं अब आगे अपना धन समाज सेवा में समर्पित करूंगा, कोई न कोई समाज सेवा का काम करूंगा, किसी दुखियारे की मदद करने का प्रयास करूंगा। ये एक प्रकार से सामाजिक क्रांति का प्रयास है और ये प्रयास आने वाले दिनों में हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। मैं आज आचार्य भगवंत
रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन गुरुजनों के साथ बैठ करके एक सच्चे शिष्य के रूप में अपने जीवन को उन्होंने ढाला, वो उत्तम गुरु शिष्य परंपरा का भी उदाहरण है। अब खुद गुरु पद पर बैठने के बाद उत्तम शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करके उन्होंने वो भी अपनी भूमिका निभाई है। मेरा सौभाग्य रहा है उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का, उनके विचारों को सुनने का, उनके सुझावों को समझने का। आज मेरा सौभाग्य है कि उनके ये 300वें ग्रंथ के लोकार्पण का मुझे अवसर मिला है, और ये भी भारत भक्ति का ही उनका एक प्रयास है। मां भारती के लिए कैसे कुछ करें, हमारा देश गरीबी से मुक्त कैसे हो, 125 करोड़ देशवासी स्वच्छ भारत के सपने को कैसे पूर्ण करें, 35 साल से कम उम्र के करोड़ों करोड़ों लोग, ऐसे हमारे नौजवान भारत के भाग्य को बदलने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति कैसे बने, इन सपनों को साकार करने के लिए हम सब मिलकर के एक अविरत प्रयास करते रहे। मैं आज के इस शुभ अवसर पर इस भव्य आयोजन के लिए समिति को बधाई देता हूं, पूज्य महाराज साहब को प्रणाम करता हूं, और भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कैसे आचार्य भगवंतों को ऐसी अपार शक्ति दे, ऐसी दिव्यता दे कि आने वाली सदियों तक मानव जात के कल्याण के लिए उनका रास्ता हमें काम आए। मैं फिर एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं, पूज्य महाराज साहब को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।